हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना चकली। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि उनकी चकली है जो है वो हार्ड बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती, क्रंची नहीं बनती। तो इसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनका जो बैटर है वो ऐसे टूट जाता है चकली बनाते वक्त, तो चकली बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं। तो अगर आपको परफेक्ट चकली बनाना है तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो चलिए हम बनाते हैं। हमने यहाँ पे 1 किलो साबूदाना लिया है। ये अच्छी क्वालिटी का साबूदाना आपको लेना है और फिर इसे नाप लेना है। आपने भला ही 1 किलो लिया है, लेकिन आपको किस आपके पतीले में ये पूरा बैठ जाता है तो इस हिसाब से आप नाप लीजिए। ये मैंने यहाँ पे नाप लिया है। नापना इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इसका 1.5 गुना पानी लेना है। तो आपको याद रखेगा कि ये कितने बर्तन में भरा था और कितना भरा था, तो इसके लिए हमें ये नाप लेना है। उसके बाद हम साबुदाने को बड़े वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो फूला हुआ साबुदाना मिलेगा हमें, तो वो इसके लिए हमें ये ट्रांसफ़र कर लेना है। और उसके बाद हम इसे 2 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि जो डर्ट है वो निकल जाए। और हम इसमें वाटर नहीं रखेंगे, तो हमें सारा का सारा वाटर इसके निकाल लेना है धोने के बाद। तो ये देखिए, इसका वाटर हमने निकाल लिया है, तो इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 2 घंटे के बाद ये इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, यानी सख्त हो जाएगा। तो इसको हम हाथ से अच्छे से निकाल लेंगे और इसे सेपरेट, बिल्कुल हमें साबुदाने के दाने वही हमें इसको फिर से बनाना। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, तो ये अच्छे से निकाल लेना आप। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया है और ये अब बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हमने जो बर्तन नापा था उसके हिसाब से ही हमें 1.5 गुना पानी लेना है। तो ये मैंने 1.5 गुना पानी इसमें ऐड कर लिया है, ये आधा बॉल पानी। पहले मैंने 1 बॉल डाला और फिर मैंने दूसरा आधा ही डाला, तो ये बिल्कुल हो गया है 1.5 गुना। तो अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। अच्छे से बॉईल होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे सिर्फ गर्म ना करें, इसको अच्छे से बॉईल करें। ये देखिए, इस तरीके से आपको पानी को बॉईल करते रहना है। तो इस तरीके से होने के बाद हम जो हमारा वाटर है तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। और फिर हम इसे अच्छे से हिलाने के बाद इसे रात भर के लिए ढककर रख देंगे। दूसरे दिन ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। तो ये जैसे हमने पहली बार वॉश करके छोड़ दिया था तो कैसा हार्ड बना था, उसी तरीके से ये भी हार्ड बन जाता है। लेकिन अब हम इसे सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि हम चलते हैं अब हमारे मसाले की तरफ। तो हमने यहाँ पे हरी वाली छोटी मिर्च ली है 50 ग्राम, तो हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो इसका पेस्ट जो है हमें बिल्कुल बारीक करना है क्योंकि ये हमारे सांचे में अटक ना जाए, इसके लिए हमें इसको बारीक पीस लेना है। अगर आप चाहे तो सूखी हुई मिर्च का भी पेस्ट ले सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ये आलू लेंगे। 250 ग्राम हमको आलू लेना है 1 किलो के लिए, और इसको हम बॉईल करेंगे अच्छे से और फिर इसको छील के रख देंगे। तो ये बिल्कुल छील के रेडी है। तो अब हम चलते हैं, इसको स्मैश करेंगे। इस तरीके से हमें इसको पीस लेना है। ये हमने पूरे 2 आलू पीस लिए हैं। ये हमारा पेस्ट जो तैयार हो गया था तो वो हम इसमें ऐड करेंगे।
आलू को आपको पीस के ही लेना है और अच्छे से पीस लेना है। तो ये हमारा जीरा, 2 चम्मच हमें जीरा लेना है और 4 चम्मच हमें सॉल्ट लेना है यानी नमक, ये 25 ग्राम भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो उसके हिसाब से आप ये ऐड कर लीजिएगा। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नीचे की तरफ से मैंने ये ऊपर डाला तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी इसमें मसाला भी नहीं था और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम इसे कूटेंगे भी, 10 मिनट तक इसको कूटना है अच्छी तरह से। फिर ये हमारा बैटर जो है रेडी हो जाएगा। इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं, और मसाला भी एकदम सही से हमारा मिक्स होना चाहिए। तो अब हम ये पॉलिस्टर का कपड़ा लेंगे या फिर आप चाहे तो प्लास्टिक का भी पेपर ले सकते हैं। इस तरीके से हमें सांचे को गीला कर लेना है और ये गोला बनाना है और सांचे में डाल देना है। ये फिर हमें इस तरीके से गोल गोल सांचे से ये डाल देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोल तो नहीं आता लेकिन हाँ अच्छा होता है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से कौन सी भी पैकेट ले और प्लास्टिक का, और फिर इसको अच्छे से नीचे वाला एक कोना होता है वो काट ले इस तरीके से, और बीच में यानी थोड़ा सा इस तरीके से काट ले यानी प्लस साइन में आपको इसको काट लेना है। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा। ये देखिए, आपको प्लस साइन में काटना है थोड़ा सा, तो जिससे कि ये चपटी ना बने, ये फूली हुई गोल बने। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम ये गोला डालेंगे और इसका कोन बना लेंगे। इस तरीके से हमने कोन बनाया है और हम अब इसके इस तरीके से गोल गोल करके चकली बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कोई टूट नहीं रही है। ये देखिए इस तरीके से आप बनाइए, और 6 से 7 घंटे के लिए इसे धूप में रख दीजिए, और 6 से 7 घंटे के बाद ये इसे सूख के तैयार हो जाएगी। तब हम ये जो हमारा कपड़ा है इसे टर्न करेंगे, पलटा देंगे, और ये हमने पलटा दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, ये डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी, तो हम इसे पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है और 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रख दें। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए, और ये हमने पूरा पानी डाल के रखा है। तो ये तैयार है बिल्कुल निकलने के लिए। ये देखिए, ये गीली और अच्छे है। आप चाहे तो ऐसे भी आप गीली गीली खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इतने आसानी से निकलती है। तो फिर आप इसे 2 दिन के लिए और धूप में सुखाइए, तो ये बिल्कुल आपके तैयार हो गई है। हमारी परफेक्ट वाली चकली बिल्कुल तैयार है, और ये सूखने के बाद इस तरीके से बन जाएगी। तो आप इसे अच्छे से तलिए, और ये बहुत क्रंची और सॉफ्ट होती है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।